लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बाद चित्तौड़गढ़ में पुलिस एक्शन के मूड में नजर आई और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न थानों में सीआरपीएफ, सीआरपीसी, आर्म्स, एनडीपीएस, अवैध शराब सहित विभिन्न मामलों में कार्रवाई की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव से पूर्व पुलिस ने 3500 सीआरपीसी एक्ट और 10 एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की और लोगों से 7000 लाइसेंसी हथियारों को भी जमा करवाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने ब्लैक मनी पर कार्रवाई करते हुए 23.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि जिले में चुनाव विभाग के निर्देश के अनुसार ही अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा और शीघ्र ही अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए पाबंद किया जाएगा ताकि मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता अपना वोट निर्भीकता और शांति के साथ डाल सके, इसके लिए पुलिस द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जिले में सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए हमने अभी तक करीब 3500 लोगों को सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं में पाबंद करवाया है, साथ ही करीब 7000 लोगों के लाइसेंसी हथियार थानों में जमा कराए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।